हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज नुक्कड़। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एट मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर जो सॉलिड है वह लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वहाँ मैंने बताया था कि जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, जहां पर जो लिक्विड है वह वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे। उसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, अब यहां हम पढ़ेंगे कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना यानी गैस में कन्वर्ट होना। एट मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जहां पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने प्रेशर के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया है, सिर्फ हमने हीट प्रोवाइड किया और टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है हीट, तो हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और ये पॉइंट कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पॉइंट है वह होता है बॉइलिंग पॉइंट, जो कि वाटर के लिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।